अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लास 9th और 10th। तो आज हम सीखेंगे सिस्टमेटिक डिवीजन के वो हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास सिंपल एग्जांपल के कुछ सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल हम कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास वैल्यू है ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 15। हमें डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 के साथ। सो जो पहले इसको है, इसको हम जो है चेंज कर लेते हैं। पहले एक्स की पावर 4 है, 4 के साथ क्या 1 है, एक्स की पावर 4। फिर 4 के बाद क्या आता है, 3 आता है। अब यहाँ हमारे पास 3 के 1 नहीं है, तो मतलब हम यहाँ पे 0 एक्स का क्यूब पुट कर देंगे, प्लस एक्स स्क्वेयर है ये माइनस था तो हम माइनस पुट कर देंगे, प्लस एक्स स्क्वेयर के बाद एक्स आता है, फिर तो 0 एक्स का 1 पावर प्लस। अब कॉन्स्टेंट ही आता है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है जिससे हम डिवाइड करना है, इसको हम लेट कर लेंगे 0 के, उसके बाद उसको शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 के। तो एक लाइन ड्रा करेंगे। अब जो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं, इसको हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। पहले 1 है, फिर 0 है, फिर माइनस 1 है, फिर 0 है, फिर 50। और जिसे डिवाइड करना है उसे हम यहाँ नीचे लिख देंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट होता है वह लिख देते हैं 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, फिर यहाँ पर एडिशन होगा, फिर आएगा जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन करते रहेंगे। तो माइनस 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास एड्रेस इज माइनस 1। और दोबारा करेंगे दोनों को तो हमारे पास आएगा तो 0 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही अगेन आएगा 0, फिर दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। सो ये हमारे पास जो 15 बचा है इससे हम कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 15। अब ये जो वैल्यू है इसको भी हमने क्या करना है, एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो ये सबसे पहली 1 वैल्यूज होती है, वह हमारे पास एक्स नॉट होती हैं, फिर एक्स 1, फिर एक्स 2 और फिर एक्स पावर 3 होती है। एक्स की पावर नॉट मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू। अब एक्स की पावर 3 के साथ क्या है, 1 1 एक्स की पावर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 0। अगर आप ना भी लिखे तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास आपकी कोफिशिएंट क्वेश्चन बन गई है, आपका आंसर आ गया है और 15 आपके पास आपका रिमाइंडर आ गया है। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये देखें, आप यहाँ पर क्यूब स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट अरेंज है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना मजीद। उसके हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाई 3 करना है। स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 3 माइनस 11 5 3। यहाँ पे 3 फर्स्ट इज एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 माइनस 11 प्लस 9 माइनस 2 होता है, 3 2 6 माइनस 6 आ जाएगा। 5 में से माइनस 6 निकालेंगे तो माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 कट होकर 0 आ जाएगा। लास्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास रिमाइंडर की होती है वैल्यू। और जो बाकी है, सबसे पहले एक्स की पावर नॉट, एक्स 1 और एक्स की पावर 2। सो कोशेंट हमारे पास क्या बनेगा, 3 एक्स का स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस नहीं माइनस है तो माइनस डाल देंगे माइनस 1। हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो आई होप कि आपको सिस्टमेटिक डिवीजन क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन करूँगी, आपकी को भी सॉल्व करेंगे ताकि आप क्लियरली समझ आए। सो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तक